देख लीजिए, योगी सरकार से भी हमारी अपील है, जो यहाँ के विधायिका हैं उनसे भी अपील है, जो सांसद हैं उनसे भी अपील है, जो राज्य मंत्री हैं यहाँ के असीम अरुण जी उनसे भी अपील है कि यहाँ पे ऐसे मामलों को देखें कि प्रवासी मजदूरों के हाथ पे डाका डाल रहे हैं ये जो आप ठेकेदार हैं जिन्होंने कंपनियों से दिया है, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है आपसे। फिर से स्वागत है आपका डीबारा न्यूज चैनल में, मैं हूँ आपका दोस्त दानिश। चुनाव के बाद काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है दर्शकों, आज हमें एक मुद्दे पर, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर मैं इस स्थान पर आया हूँ। ये गोसाईगंज कस्बे कस्बा लगता है, यहाँ पे जो बाईपास निकल रहा है, यहाँ के जो प्रवासी मजदूर आए थे काम करने के लिए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा दीजिए थोड़ा, जो प्रवासी मजदूर आए थे यहाँ पे, जो प्रवासी मजदूर आए थे यूपी से, यूपी के भी थे काफ़ी ज़िलों से, उसके बाद बिहार से भी थे, छत्तीसगढ़ से भी थे, तमाम अन्य ऐसे जो स्टेट थे वहाँ से जो प्रवासी मजदूर आए हुए थे, यहाँ पे लगे हुए थे। ये बन रहा है, काफ़ी मजदूर इधर भी हैं, अलग अलग कंपनियों के ठेके हैं यहाँ पे, लेकिन जो इस पॉइंट पे जो ठेका है वो हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, जो यहाँ पे मजदूर आए हुए थे जो इसमें इस पॉइंट पे जिन्होंने काम किया था, अपने जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लगभग काफ़ी मजदूर होंगे वो जो यहाँ के जो यहाँ देख रेख करते हैं उनसे हम बात करेंगे, जिनके ज़रिए से मैं यहाँ पे आया हूँ। वो बता रहे हैं काफ़ी महीने की और काफ़ी दिनों की तनख्वाहें इनकी बाकी हुई हैं, बाकी हैं, बकाया है तनख्वाह इनकी जो नहीं दी गई है प्रवासी मजदूरों को, जो ठेकेदारों के द्वारा। चलिए सीधे हम जो यहाँ के जो कुछ मजदूर हैं वो हम उनसे पूछते हैं पूरा मामला क्या है, तो उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या पूरा मामला है सर? हाँ सर, मैं राकेश सिंह बोल रहा हूँ। मैं बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले, कितने दिनों से यहाँ पे आए हुए हम लोग? सर यहाँ एक फरवरी से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक फरवरी से? जी, हम लोगों यहाँ पे 25 आदमी थे। 25 आदमी को हम लोगों को सिर्फ खर्ची सिर्फ मिली है। पेमेंट हम लोग को पेमेंट जब पूरी स्लाफ हो गई सर, पूरी स्लाफ हो गई, तो स्लाफ करने के बाद ही लोग बोलता है तुम लोग काम ही नहीं किए हो, हाँ ये चलते तुम लोग को पैसा नहीं मिला। लगभग आपने कितने दिन जाया किए इसमें? लगभग मतलब मेरा कहना है कि कितने दिन लग गए इसमें पूरे इसको बनाने के लिए? पूरे इसमें हमको लग गया सर आपको 45 दिन। 45 दिन लग गया? 25 आदमी। पैसा कितना हुआ? पैसा मेरे को यहाँ पे पेमेंट बन रहा है सर 3,33,000। हाँ, जिसमें हमें मिला है सिर्फ 1,76,000 रुपया पाए हैं। 1,76,000 पाए, बाकी अभी सब बकाया। हाँ, बाकी क्या ठेकेदार क्या बोल रहे हैं? ठेकेदार बोल रहे हैं पैसा उसा नहीं मिलेगा, मैं अब तुम लोग यहाँ पे काम ही नहीं किए हो। अच्छा अच्छा, ऐसा बोल रहा है? ऑन रिकॉर्ड बोला आपने? कुछ सबूत है इसके पास कि ठेकेदार ने ऐसा बोला है? नहीं सर, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, छोटा मोबाइल है सर मेरे पास, मैं जब भी फोन करता हूँ, कभी भी फोन करता हूँ तो फोन उठाता भी नहीं है। और फोन उठा ठेकेदार है कहाँ का? ये बंगाल का है सर। बंगाल का है, अभी कहाँ मिलेगा वो? वो तो सर बंगाल में ही मिलेगा आपको। तो वो उसका काम खत्म होके वो बंगाल चला गया? नहीं सर, यहाँ 2 महीना से वो आया ही नहीं है सर। आया नहीं? हाँ, हम लोग सिर्फ खर्ची विश्वास पे, खर्ची पे काम पे काम करते हैं। जो कंपनी बनवा रही है उससे? हाँ, आपने रब्ता किया, उनसे बातचीत की आपने? हाँ सर, हमने बात किया, रोज आते हैं धमका के जाते हैं कि बोलते हैं तू लोग भी भाग जाओ ना तो यहाँ पे चोरी का अंजाम लगा देंगे। हाँ ऐसे बोलते हैं, फिर भी हम लोग सर काफी बंदे तो थे यहाँ पे, हम लोग 10-12 आदमी थे, कुछ आदमी आज सर निकल गए, बाकी एक हम हैं और एक और है हमारे साथ में, वो है बच गए हैं, बाकी सब तो बर्तन सर्तन सब बेच के, पानी तक भी पीने के लिए हम लोग को नहीं मिलता है सर। पानी भी नहीं? वर्तमान में जो करवाया है भी इनके साथ थे वो। अच्छा, जो करवाया है ठेकेदार से माध्यम से, वो दिनों रात इनके साथ लगे हुए थे। अच्छा, तो वो जिम्मेदार होंगे कि वो आएगा मंगाज देने वाले पैसे जो इनसे करवाए हैं मुक्ति पे खड़ा होके। वो कहाँ जो करवाए हैं? गोसाईगंज यही क्या है? नहीं यहाँ के नहीं है, रहने वाले हैं कहीं दूसरे जगह के, यहाँ पे डेरा लेके रहते हैं। अभी भी हैं वहाँ? वो पता नहीं सर, वो भी तो 2 दिन से आ ही नहीं रहे हैं सर। वो भी नहीं आ रहे हैं? फोन किया जाता है तो बोलते हैं गोसाईगंज में हैं। अच्छा अच्छा, और रहने वाले कानपुर के हैं। कानपुर के हैं? तो आपने इसके कोई एप्लीकेशन वगैरह थाने आने में दी शिकायत? थाने में प्रोसेस कुछ नहीं रहा सर, वो लोग बोलते हैं जाके FIR लिखो। हाँ तो FIR तो सर यहाँ हम लोग मजदूर आदमी है, हम लोग FIR कहाँ जाएंगे लिखने सर? कहते कहीं भी तुम जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, तुमको कुछ होने वाला है, वह पैसा नहीं मिलेगा। पूछिए सर यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, धमका रहे हैं? हाँ धमका रहे हैं।
तो जो आपने सुना कि लगभग काफी दिनों से सिर्फ 1,76,000 रुपए दिया गया, बाकी पैसा 3,33,000 कुछ बता रहे थे सर, वो उनका अभी जो टोटल अमाउंट था उसमें से सिर्फ 1,76,000 दिया है। जो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे वो अपना सारा सामान लेकर मजबूरन यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। कल मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया था, मुझे सूचना मिली थी तो मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे रब्ता किया तो मैं अभी आया हूँ। तो ये बता रहे हैं काफी पैसे बाकी हुए थे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये सामान पूरा ये जो लगा हुआ है और ये पूरा इन्होंने बनाया है, कितने महीने लग गए इसको बनाने के लिए? इसको हमको सर यहाँ पे हमने 2 महीने से काम कर रहा है सर, फरवरी से, 1 फरवरी से हमने काम चालू किया है, 1 फरवरी से आज तक हमने 2 हफ्ते से पेमेंट आती खर्ची तक भी नहीं मिला सर, हम लोग खर्ची तक नहीं मिला जैसा आप बता रहे हैं। और जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार हैं ये गुरसाहेगंज में रहते हैं, जो इन्होंने जो इन्हें लेकर यहाँ पे काम के लिए लाए थे वो बंगाल के थे और जो यहाँ पे काम करवा रहे थे वो गुरसाहेगंज के बता जा रहे हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष TUC हंसराज अकेला से ये निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से लें और पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि इनकी जो शिकायत है वो दर्ज की जाए गुरसाहेगंज थाने में, क्योंकि मैं ऐसे नहीं आता, इन्होंने काफ़ी चिंतित थे, रो रहे थे, तो मैं चला आया क्योंकि लाखों के रुपए, लाख रुपए से ऊपर अभी इनका अमाउंट बाकी है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है इन मजदूर प्रवासियों के लिए। तो जैसे कि और ये यहाँ पे जा नहीं रही हैं, सब लोग चले गए हैं, इनके साथी जो हैं और ये बच्चे हैं, सिर्फ एक लोग और बच्चा है। तो ये बोल रहे हैं, वो धमका रहे हैं ठेकेदार कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो जो है हम चोरी का इल्जाम लगा देंगे, जिंदा गाड़ देंगे। अनेक ऐसे जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं जैसा ये बता रहे हैं। काफ़ी जैसे निर्माण भी चल रहा है उधर, लेकिन अलग अलग कंपनियों के ठेके, अलग अलग जो ठेकेदार हैं उनके ठेके हैं यहाँ पे। इस पुल का निर्माण जो बन रहा है ये वाला अलग पॉइंट है, इसके लिए इन्हें लाया गया था, इनके पैसे अभी भी बाकी हैं। तो हंसराज अकेला TUC से हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे अगर समय मिला हमें, नहीं तो कल हम उनसे हम वार्ता करवाएंगे कि इनके मुद्दे को ऊपर तक पहुँचाया जाए और श्रम मंत्रालय से लेकर जो श्रम कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ तक ये मामला पहुँचे। तो चलिए हम जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर रह रहे थे उनके रहने के प्रबंध को लेकर, उनके खाने को लेकर, खाना भी हम देखेंगे किस तरीके से मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, बता रहे पानी पीने तक का साधन नहीं है यहाँ पे, कोई ड्रम आता है तो भर के चला जाता है, वही ताज़ा पानी, बासी पानी जो भी होता है वो, तो बता रहे थे जैसा कि यहाँ पे राशन की भी व्यवस्था नहीं है, 2-3 दिन से भूखे भी हैं क्योंकि पैसे हैं नहीं, पैसे तो ठेकेदार लेकर भाग गया है जैसे इनके अनुसार ये बता रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कहाँ पे, या यहीं पे रहते थे अंदर इसी में रहते थे, यहाँ पे कितने लोग रहते थे? यहाँ पे सर जी हम लोग 12-13 लोग, अपने कैमरा पर्सन से कहें कि अंदर आ जाएं, यहाँ पे बता रहे हैं कि 12-13 लोग इस जगह रहते थे। अब बेचारे क्या करें यार, पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, पैसे कमाने के लिए, और पैसे ही ना मिले तो ऐसे में प्रवासी मजदूर क्या करें। यूपी के हों तो चल जाए, अपने टिकट विकट लेके चले जाएंगे, जो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, अन्य प्रदेशों से आए हैं वो कैसे जाएंगे? बर्तन बेच के गए हैं सर, आज बर्तन सर्तन आज बेच के, मैं 12-13 आदमी खाना बनाते हो बेच के वो घर पे गए हैं? हाँ सर। सुनने वाला कोई नहीं? कोई नहीं सर, कोई नहीं सुना सर, हम लोग यहाँ 1 हफ्ते से बैठे हैं सर। अच्छा, ना हम लोग का राशन कुछ वही बात है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे आज 1 हफ्ते से कुछ खाने पीने के भी नहीं कुछ मिला है सर, बताइए हम लोग क्या करें, बताइए। ना हमारे यहाँ पे लेबर था, लेबर आया, स्टाफ सुबह आया, सबको हड़का के बोला कि भग जाओ नहीं तो तुम लोग को चोरी के इंजाम लगा देगा, तो सब लेबर सर डर के भग गए। हाँ, हम सर लेबर लेके आए थे, हमारे माध्यम से 25 लेबर थे सर यहाँ। तो आपको पैसा देना पड़ेगा, समझे? पैसा तो आपकी जेब से जाएगा जो लेके आए हैं आप। हाँ तो सर हमें कॉन्ट्रेक्टर सर हम लोग को सर ना कॉन्ट्रेक्टर हम लोग को पैसा दिया ना कंपनी कुछ बात सुन रही है सर हम लोग। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी क्या कह रही है, कंपनी क्या चाहते हैं, क्या सोल्यूशन क्या चाहते हैं? आपका पैसा आपको मिल सके? हाँ सर हम मिलना चाह रहे हैं सर, हम अपना जाइएगा भी नहीं जब तक मिलता नहीं है, जाइएगा भी नहीं। ठीक है सर, मैं जाता रहूंगा और आवाज की आवाज उठाता रहूंगा जब तक श्रम मंत्रालय तक ये आवाज नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इसमें लेने के लिए। इसमें देख लीजिए, योगी सरकार से भी हमारी अपील है, जो यहाँ के विधायिका हैं उनसे भी अपील है, जो सांसद हैं उनसे भी अपील है, जो राज्य मंत्री हैं यहाँ के असीम अरुण जी उनसे भी अपील है कि यहाँ पे ऐसे मामलों को देखें कि प्रवासी मजदूरों के हक पे डाका डाल रहे हैं ये जो आपके ठेकेदार हैं जिन्होंने कंपनियों से लिया है, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है यहाँ पे। आवाज दबाने से काम नहीं चलेगा,
प्रवासी मजदूरों का हक अगर मारा जाएगा तो हमारा चैनल यूं ही ऐसी खबरें उठाता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क जरूर रहें ऐसे लोगों से जो आपको बहला फुसला कर प्रदेशों से लाकर यहाँ पे डाल देते हैं, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करता, ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहें। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार।